अब देखते हैं पूरा नाली का पानी वहाँ पे भरा हुआ है। तैर अरे ये घरों में जाएगा ये पानी, ये कितनी बीमारी फैलाएगा ये बताओ आप। तो आप देख सकते हैं बगल में पीने का नल लगा हुआ है और नल तक पूरा पानी आ गया है। कोई सफाई करने वाला कोई नहीं आता, जो भी आता है उसको 100-500 रुपए दो वो काम करेगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो भी डाल के यहाँ चले जाते कूड़ा कूड़ा उठाने के लिए, फिर उसको दोबारा पैसे इकट्ठे करके दो। अब क्या करें, कहाँ सोए, ना पलंग ना कुछ नहीं, तो नीचे तो गरीब आदमी सोना ही है बेटा। अब देख सकते हैं कितना गहरा घर है, अरे यहाँ पूरा सीलन हो गया है घर में, काफी काफी छोटा सा घर है इसमें भी पूरा पानी भर जाता है बरसात में, काफी खराब स्थिति हो जाती है। कैसे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। बेटा मर गया, बहू मर गया, वो आदमी मर गया, कोई भी नहीं है, हम अकेले रह गए तो हम क्या कर सकते हैं। नाली की बहुत गंदी स्थिति है सर, हम क्या कर सकते हैं बेटा। कर्मचारी से को बोलते हैं तो वो घर से 20-30-50 रुपए मांगते दारू पीने के लिए। महीने में जितनी कमाई नहीं उतनी अस्पताल में देनी पड़ती है, और क्या, कभी कोई बीमार है कभी कोई बीमार है। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। फिलहाल हम मोतीलाल नेहरू कैंप में मौजूद हैं, यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं, लोग यहाँ के समस्याओं से काफ़ी पीड़ित हैं। आइए यहाँ के जनता से बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है मैडम यहाँ पे। अब यही नाली देख लो बंद है बिल्कुल। अच्छा, तो घर में जो गंदा पानी निकलता है उसका निकासी नहीं है? पानी भर जाता घर में जब बंद हो बिल्कुल 12-7 ही, तो नालियाँ बंद पड़ी हैं, वो नाला बंद पड़ा, पूरा कूड़ा भर रहा नालों में, सफाई नहीं हो रही कहीं भी, तो फिर क्या पाबंदी है। तो जो आपके क्षेत्र के जो निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, वो साफ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं भेजते हैं? एमसीडी का कर्मचारी आते हैं, कभी कभी आते हैं, साल 6 महीने में एक बार करके चले जाते हैं। इधर ही इधर लो आती नहीं, मई के मई लौट जाते करके, कहाँ आते हैं, कब से नहीं आए हैं। जो नालियाँ बनी हुई हैं काफी भरी हुई हैं, हाँ, इसकी वजह से पानी बहता नहीं है। ये देखो नाले भर रहे हैं पूरे, गंदगी अंदर भरी पड़ी है, वहाँ से पानी इधर कोई आता लौट के। अब देख सकते हैं बड़ा नाला है पूरा भरा पड़ा, इसलिए इनके जो मोतीलाल नेहरू कैंप है इसका जो निकासी है, जो पानी गंदा पानी घर से निकलता है वो घर में ही भर जा रहा है, पानी बाहर नहीं जा पाता है। अब देख सकते हैं बस्ती है पूरी तरह से गीली हो रखी है, यहाँ पर जो पानी का निकासी है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त है, यहाँ पर जितने भी नालियाँ सब भरी पड़ी है। इनका कहना है कि यहाँ साफ़ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं आते हैं। यहाँ जो नाली है हरदम भरा रहता है, हरदम बेटे आते ऊपर ऊपर उठा के वो भग जाते कूड़े, और वो नहीं थे तो खोदते ही नहीं है ना निकालते हैं, आए नहीं, नहीं कितने दिन 6 महीना से नहीं आए, और ऊपर ऊपर को उठा के वो भग जाते। हमसे कहते जब पत्थर उठाओ, हमसे उठते बेटा ये। अब देख सकते हैं ये नाली है घर के ऊपर तक पानी है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं बगल में पीने का नल लगा हुआ है और नल तक पूरा पानी आ गया है। तो ये नल से साफ पानी आता है पानी पीने का? ये सारे वाले तो ये नाला जैसे कि दिख रहा है, पीने वाला पानी और जो नाले का कचरा एकदम बराबर में दिख रहा है, तो पानी गंदा भी आता है? हाँ बिल्कुल आता, गंदा आता है, इसमें कोई पी नहीं पाता बेचारा पानी, वो जो ऊपर नल के उनसे वो भरना पड़ता है। हमें आप देख रहे हो नीचे नल का कितना लगा हुआ है, बोलते हैं साफ करने के लिए, आता नहीं साफ करने के लिए, कोई वहाँ तक ही साफ ही नहीं करता है। सर एमसीडी में या निगम पार्षद से विधायक से शिकायत नहीं की? सबसे करीबी है, तब वो आते हैं तो बस साफ हो जाएंगी, वो चले जाएंगे तब बस भूल जाओ फिर तो जिंदगी भर। जैसे एक दिन पहले साफ हो जाता सब कुछ। तो यहाँ पर एक सर कब से समस्या, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कम से कम 15-20 साल से हो गया है, समस्या कभी घटी नहीं आगी। अच्छा ऐसे ही रहता है? हाँ जी, आप देख सकते हैं ये जो नाली है पूरा ऊपर तक पानी आ गया, घर इस लेवल से नीचे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो नल लगा हुआ है, पूरा गंदा पानी यहाँ पर तैर रहा है, नालियाँ पूरी तरह से भरी है। तो यहाँ का पानी क्यों बाहर नहीं जाता है? पानी सर बाहर कहाँ जाएगा, सीवर ही सही नहीं है तो क्या करेंगे कोई। 15 साल से यही स्थिति है? यही स्थिति है सर, ये नीचे पूरे में इनका पूरा घर डूब जाता है, देख रहे हो इनके घर में पूरा सीलन, देखो पूरा घर इनका पूरा घर, ये जो नाली के पानी से सीलन से खराब हो रखा है पूरा, ये घर इनका पूरा खराब हो रखा है। सफाई जब करेगा, जब इसमें कोई 1,500 रुपये इकट्ठे कर लेगा, वो पीने का खाने का अपने लिएगा जब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा कोई। तो आप यहाँ एमसीडी के जो निगम पार्षद हैं या विधायक का कौन है, क्या उनसे कंप्लेंट नहीं? सर वो था लेकिन वो उनसे कंप्लेंट की है 10-50 बार की है, देखो कोई फायदा नहीं है, वो भी उनका सफाई वाला भी यही बोलता है कि भैया मुझे पैसे चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो बस्ती है ये थोड़ा जो रोड का शहर का जमीनी स्तर उससे काफ़ी नीचे है, रोड से काफ़ी नीचे ढलान पे है ये।
ये पहले स्टेट होता ना, पहले स्टेट था, अब इन्होंने यहाँ डाल दिया है, तो यहाँ पूरे में नीचे भरता है पानी सारा। अच्छा, जो रोड का भी पानी है वो सारा यहीं आता है, टोटली पानी यहीं आता है। इनके बर्तन भांडे सब बेकार हो जाते हैं, पूरे कपड़े जाते सब पूरा टोटली सब सामान बेकार हो जाता है। इसमें मच्छर क्या कह रही है दादी, कीड़े इतने सरियाना नीचे सोते थे, इतने तकियन के नीचे इतने कीड़े रहते, कीड़े आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं वो लंबी पूंछ वाले। मैं तो चार जने हैं, यही थोड़ी मदद करते हैं, यही थोड़ी देखभाल कर लेते, वो कौन बैठा है। सरकार की तरफ से आपको राशन वासन पानी वानी नहीं? राशन तो मिलता है, झूठ नहीं बोलेंगे बेटा, भगवान के नीचे पेंशन वेंशन सब बंद करवा दे हमारे, पेंशन नहीं मिलता, नहीं मिलते, आदमी मर गया जब से पेंशन ही नहीं मिलती हमें। इनका ये भी लोगों का कहना है कि जो यहाँ पे गंदे पानी की वजह से जो यहाँ पे टोटियाँ लगी हुई हैं, नल लगे हुए हैं, उसमें भी गंदा पानी आता है। वो सर ये गंदा तो आएगा उसमें, क्या गंदा आता है एकदम, इसमें तो कभी कभी तो टट्टी तक आ जाती है, आपसे क्या बोले हम, अब क्या करें, नहीं करते इस्तेमाल, पे बैठे रहते किसके नल पे जाएं, कहां जाएं, पानी है बैठे रहते फिर आप क्या करें। कैसे काम चलता है जब गंदा पानी आता है तो खरीद के पीते हैं? तो वो तो ये है कि जैसे और किसी के बाहर आए या बाहर से मेन रोड से लाए, बाहर से भर के लाए दो डिब्बे, उसमें काम चल रहा है, वो पैसे ही करना पड़ता है काम। अब देख सकते हैं तमाम डिब्बे यहाँ रखे हैं, लोग पानी एकत्रित करते हैं, भरते हैं, जमा करके काम चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर इनका कहना है काफ़ी गंदा पानी आ जाता है जिससे काफ़ी समस्या होती है जी। थोड़ा सा ही पानी किसी ने वो डाला ना तो सीधे इसके घर के अंदर जाएगा। अब देख सकते हैं ये जो ये घर है और ये जो नाली है एक लेवल में है, और जब पानी भरता है तो घर में पानी घुस जाता है, पानी अभी भी पूरा आप देख सकते हैं नाली में भरा पड़ा है पानी, और गंदा पानी है, जाम है, इसका कोई निकासी नहीं है, कर्मचारी यहाँ साफ सफाई के लिए नहीं आते हैं, आप देख सकते हैं नाली के अंदर है वो कीड़े में, देखो नलका, देखो आप नलका देख रहे हो आप कितने नाली में लगा हुआ है। अब इसका पानी अगर आप पियोगे तो आप बताओ, आप पियोगे पानी, लेकिन हम तो पी रहे मजबूरी में, क्या करें। तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है जल निगम या फिर MCD? कोई नहीं सुनता सर, सबको यही है कि बस पैसे इकट्ठे करके दो तो काम है, नहीं तो कुछ काम नहीं है। नाली देख रहे हैं, हम नीचे सोते एक कीच में सोते चटाई डाल के इतने इतने कीड़े निकलते सरियाने, बता नाक में घुस जाएं, कान में घुस जाएं, रात के बच्चों की नाक में कान में रुई लगा के सुलाते, कहाँ जाएं, कहाँ से किराओ दें बेटा हम, कोई कमेरा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, हम कहाँ से दे सकते। बताओ क्या करेंगे, बुजुर्ग आदमी अकेले हैं, उनका ना कोई बेटा देता है ना कोई देता है, दो बच्चे और हैं, उनको भी पाल रही है, वो सब कुछ कर रही है, क्या करेगी वो। यहाँ आस पास मोहल्ला क्लिनिक है बच्चों के लिए, अस्पताल है आस पास? यहाँ नहीं है, या भी तो नहीं है, जाओ या मोती भाग जाओ, वहाँ पे है, यहाँ पे आसपास में कोई नहीं है, यहाँ अस्पताल की सुविधा भी नहीं है आसपास, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। केजरीवाल तो कह रहे हैं हर जगह हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है, नहीं नहीं है इधर, नहीं है कुछ भी नहीं सर इधर, नहीं है कि या सदन जाओ या मोतीबाग जाओ, वहाँ पे है, इधर कुछ नहीं है। अगर कोई एमरजेंसी केस भी हो गया ना, गोदी में उठा के बाहर ले जाना पड़ता है मेन रोड पे, फिर मेन रोड से ऑटो करेंगे फिर जाएंगे। भाई इधर ही पूरा सारे में घर में मई तक पानी पहुँचता, आप देख सकते हैं यहाँ पानी पानी पूरा भर, ये देख सकते हैं घर है इनका, पूरा पानी भरा हुआ है, ये नाली देख सकते हैं पूरा भर गया, घर में पानी ऊपर भर जाता है, जैसे ही पानी का बहाव बढ़ता है ये पानी इनके घर में चला जाता है, अभी देख सकते हैं पूरा फर्श गीला है पानी की वजह से, और ऊपर पानी बढ़ जाता है। तमाम मजदूर हैं इधर उधर काम करते हैं, 400-500 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, महीने में 1000 रुपये अगर किसी के घर काम करती हैं महिलाएं तो कमाती हैं, लेकिन यहाँ नाली की सफाई का जब समय आता है, कर्मचारी जब आते हैं तो पैसे की मांग करते हैं कि आप पैसा देंगे तो नाली साफ होगी। यहाँ पर ये गरीब लोग रहते हैं, बस्ती है, डेली कमाने खाने वाले, लेकिन उसके बावजूद यहाँ बिना पैसा दिए साफ़ सफाई नहीं होती है, जहाँ सरकार कर्मचारियों को वेतन देती है कि हर मोहल्ले में गंदगी और नाले की सफाई की जाए, वहीं हम यहाँ पर मोतीलाल नेहरू कैंप में मौजूद हैं, यहाँ पर पैसे की मांग की जाती है, आप देख सकते हैं पूरा पानी भरा हुआ है। इनका ये कहना है, इनका ये दावा है कि साल में एक दो बार आते हैं और पैसे की मांग करते हैं, उसके बावजूद भी अगर दबाव दिया जाता है तो बुजुर्ग महिलाओं से कहते हैं ये 50-50 किलो के पत्थर हटाइए तब हम साफ़ करेंगे। आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं दिव्यांशु, झलको दिल्ली।